दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीके थुंगन और तीन अन्य को सीबीआई द्वारा 1998 में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने थुंगन और तीन दूसरे दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की विशेष अदालत ने मेमन के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। मेमन ने अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका भेजी है। कैबिनेट ने किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बैंक किसानों को कम अवधि के लिए 7% की दर पर 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही सरकार ने राइस ब्रान ऑयल के बल्क एक्सपोर्ट और बिहार में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की शुरुआत काफी हंगामेदार रही, जहां ललित मोदी मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, वहीं सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा के लिए तैयार है। हंगामे के कारण सदन की बैठक कई बार बाधित हुई और पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। बार बार हो रहे हंगामे के कारण राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि ललित मोदी मुद्दे पर वह बहस के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वित्त मंत्री ने इस संदर्भ में सदन को सूचित कर दिया है और अब विपक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा है। कांग्रेस ललित मोदी प्रकरण में सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही है। गोवा अपराध शाखा ने रिश्वत मामले में अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर के अधिकारियों और राज्य के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार के दो पूर्व मंत्रियों को एक प्रोजेक्ट के एवज में अमेरिकी कंपनी द्वारा मिली कथित रिश्वत मामले में एक राज्य स्तरीय जांच का आदेश दिया है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष ने व्यापम मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले। इस दौरान दोनों पक्षों के विधायक आपस में भिड़ गए। विपक्ष सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस चर्चा से बचना चाहती है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सुरक्षित खाद्य अभियान की शुरुआत की है। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य सबके लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्षमता निर्माण करना और इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। संसद परिसर में चल रही कैंटीनों में मिल रहे खाने की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस मामले में संसद की खाद्य मामलों पर नजर रखने वाली समिति को निर्देश दिए हैं। उज्जैन में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई इलाकों में मकान पूरी तरह से डूब गए हैं। होमगार्ड जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अब तक 600 से अधिक लोगों की जान बचाई है। शहर के 2 बड़े जल स्रोत गंभीर डैम और शिप्रा नदी पानी से लबरेज है। जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 17 मार्च को जाट समुदाय को केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया था। मार्च 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने का फैसला किया था। इराक की राजधानी बगदाद में मंगलवार को हुए 2 कार बम धमाकों में लगभग 19 लोग मारे गए। पहला हमला बगदाद के नजदीक पूर्वी शहर अलजजदीदा के बाजार में हुआ। इस हमले में 17 लोग मारे गए जबकि 43 लोग घायल हुए। वहीं जफरानिया में हुए कार बम धमाके में 2 लोग मारे गए और 9 घायल हुए। किसी भी संगठन ने अब तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। यमन के दक्षिणी अदन में युद्ध से शिकार लोगों को जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का सहायता जहाज दक्षिणी बंदरगाह पर पहुंचा। युद्ध के शिकार लोगों की मदद के लिए लगभग 3000 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। काफी समय से इस इलाके में खाद्य सामग्री पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्षेत्र में जारी लड़ाई के चलते इसमें रुकावट आ रही थी। बीसीसीआई ने वर्ष 2016 में भारत में आयोजित होने वाले विश्व टी20 टूर्नामेंट के आयोजन स्थलों की घोषणा कर दी। विश्व टी20 टूर्नामेंट के मैच भारत के 8 शहरों बैंगलोर, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई, नागपुर, दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे। 11 मार्च से 3 अप्रैल तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट का फाइनल कोलकाता में खेला जाएगा।
एशिया ओशिनिया ग्रुप में न्यूजीलैंड पर 3-2 से मिली जीत के बाद अब वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में भारत का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य से होगा। लंदन में हुए ड्रॉ में इस बात की घोषणा की गई। मुकाबला भारत में इसी साल 18 से 20 सितंबर के बीच खेला जाएगा।